नमस्कार साथियों, मैं हूं हेमंत धाकड़ और आप देख रहे हैं सफल किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, सफल किसान बाजार काफ़ी समय से किसानों की मुख्य समस्याओं को देखते हुए जो है कई प्रकार के समाधान लेकर आ रहा है किसानों के बीच में और उनकी समस्या को सॉल्व कर रहा है। इसी कड़ी में हमने जो है गर्मी के दिनों में जो तरबूज एवं गिलकी तुरई एवं अन्य जो मेलन सेगमेंट की जो फसलें लगती है, बेल वर्गीय फसलें लगती है, उन सभी पे हमने जो है किसानों की मुख्य समस्या आ रही थी कि फल टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, फल सड़ रहे थे, कलियाँ नीचे गिर रही थी, तो उसको देखते हुए मेलन फ्लाई और स्टिकर्स जो आते हैं येलो स्टिकर, वो किसानों के बीच में रखे थे जो कि किसानों ने बढ़ चढ़ कर जो है खरीदे और उनको अच्छा एक रेटिंग भी दी और किसानों ने के बारे में बहुत ही अच्छी राय दी कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। ये कहते थे कि मतलब 2 रुपये लगाकर 10 रुपये बचाने वाली बात हो रही थी किसानों के बीच में। और इसी बीच अभी जो है मुख्य जो अभी समस्या आ रही किसानों को, जो फल वर्गीय पौधे हैं, जैसे कि जो हम नींबू के अभी बाग में फड़े हैं दुपरावदा में, यहाँ पर मेहता कृषि फार्म में भरत जी मेहता की प्लॉट पर, तो यहाँ पर जो है इनकी मुख्य समस्या आ रही थी। अन्य जो है हमारे जो हमारे मालवा क्षेत्र में अभी जो कई प्रकार के बाग लगते हैं, जैसे कि अमरूद हो गया, सीताफल हो गया और एप्पल बेर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में भी एक समस्या आती है कि फूल जब आने की अवस्था होती है, यानी कि जैसे अभी जो है फूल आने की अवस्था है, जैसे पानी गिरता है फूल आते हैं, फूल आने पर एक समस्या होती है कि मक्खी होती है फल मक्खी, वो मक्खी डंक मार देती है फूल के ऊपर, उसके कारण जो है फूल नीचे गिर जाता है। तो उसके समस्या को देखते हुए हमने जो है उसी प्रकार के ट्रैप में, यानी कि जो पहले ट्रैप हम यूज़ करते थे उसी प्रकार के ट्रैप में, और इसका थोड़ा सा एक हार्ड वर्जन का उपयोग किया है, एक इकोनॉमी की जगह एक हार्ड, जो कि किसानों को आज महंगा पड़े मगर बाकी जगह आगे समय में जो है सस्ता पड़े, उसको हम लेकर आए हैं यहाँ पर। और साथ में हमारे साथ में पारस जी धाकड़ जो हमारे साथ में है यहाँ पर, जो कि प्राइड एग्रीकल्चर अकेडमी से है, जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा अनुभव है, वो हमें बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा एक गहराई से थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है ये फेरोमोन ट्रैप और किस किस प्रकार से हम जो इसको उपयोग कर सकते हैं, किन किन फसलों में उपयोग कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ पारस जी धाकड़ आपका, थोड़ा सा किसानों को बताएं कि क्या क्या समस्या आती है इस प्रकार के ट्रैप ना लगाने से, और इस प्रकार के ट्रैप अगर लगाते हैं तो किस प्रकार के फायदे मिलते हैं किसानों को, थोड़ा सा बताइए। पहले तो नमस्कार सभी किसान भाइयों को, सफल किसान बाजार एक बार फिर जबरदस्त प्रोडक्ट लेके आया भैया ने बताया आपको सर ने। हम इस बगीचे में करीब करीब आधे घंटे से घूम रहे हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है, ये आपको दिखाएंगे हम, जैसे कि ये नींबू, इनमें काफ़ी नुकसान कर दिया है, ये जो फ्रूट फ्लाई रहती है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में घूम रही है। तो उसके लिए हमने डेमो के लिए लगाया था तो काफ़ी मात्रा में इसका रिजल्ट भी मिला है और ये जो समस्या आ रही है, हमने अभी किसान भाई से बात करी है कि इसका हम समाधान कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे आप सब देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये थोड़े से फल जो आप लेके आए, थोड़ा सा किसानों को मैं चाहूंगा कि हाँ, थोड़ा दिखाएं स्क्रीन पे, देख सकते हैं काफी छोटी साइज में, छोटी साइज में ये नींबू जो है इसको डंक मार देता है, इसका सूखने लग गया है और इसका जो है शेप बिगड़ गया नींबू का, इस छोटा सा नींबू है इसका भी पूरा के पूरा शेप ही बिगड़ गया। ऐसे काफी सारे नींबू हमने लगभग, तो ये इतने सारे नींबू जो एक एक पौधे से अगर निकल रहे हैं तो इसके पहले भी कितने निकले होंगे, वो एक बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, 20-30% नुकसान मेरे ख्याल से होता है। अगर इतना नुकसान किसानों का हो जाता है, 20% भी नुकसान हो जाता है तो जो इनकम होती है वो कम पड़ जाती है। अच्छा, हालांकि उद्यानिकी विभाग में बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, अगर आप खेती को छोड़कर इधर हॉर्टिकल्चर विभाग में आते हैं और उद्यानिकी वाले पौधे लगाते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। जो कीटों को मारने वाली जो दवाई आती महंगी महंगी वो आपको नहीं लाना है और सबसे बेस्ट वाले प्रोडक्ट आपको खरीदना है। सफल किसान बाजार इस बार फिर बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट देने वाला, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, रिजल्ट देने वाला ट्रैप लेके आया है और इसकी संख्या आप काफ़ी देख सकते हैं। अरुण जी, हजार होगी, कितनी संख्या, हजारों की तादाद में है ये, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये शायद 2 या 3 हज़ार फ्रूट फ्लाइज के अंदर आ गए हैं, काफी मात्रा स्क्रीन पे कम से कम बहुत कम दिख रहे हैं, अगर 3 हज़ार 4 हज़ार हम तक लग रहा है। पेपर नहीं लाए वरना इसको हम एक एक बताते इसको बताते कितने सारे फ्रूट फ्लाइज है, काफी मात्रा में आ चुके हैं इसके अंदर और रिजल्ट बेस्ट आता है। और मैं सभी किसान भाइयों से एक बार फिर बोलता हूँ कि इस प्रकार के आपको ट्रैप खरीदना है और ये थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको लगाना है, लगाने के बाद एक 10 से 15 मिनट में आप खुद कॉल करके बताएंगे कि हमारे एक ट्रैप के अंदर कितने कीट आ चुके हैं और ये कीट बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान करते हैं भाई लोगों, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर ये इन फ्रूटों के अंदर जब छोटी
इनकी साइज होती है, उसके अंदर एक अंडा दे देती है। अगर अंडा दे दिया तो ये अंडा धीरे धीरे एक लार्वा बनता है और वो लार्वा इसको नष्ट कर देता है। तो इस टाइप के जो फ्यूल है ये हम जामफल में लगा सकते हैं, यानी कि अमरूद में लगा सकते हैं, बेर में लगा सकते हैं, और आजकल हमारे क्षेत्र में सीताफल की खेती बहुत अच्छी हो रही है। सीताफल की खेती में भी इसका यूज करेंगे अगर तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फिर वेजिटेबल में अगर आ जाए हम, खीरा ककड़ी, इस क्षेत्र में खीरा ककड़ी अच्छी होती है, गिलकी होती है, तुरई होती है, और सभी में जो नुकसान हो रहा है, किसान परेशान है, तो उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय कह सकते हैं, बेस्ट बेस्ट उपाय। और एक बार लगा दिया अरुण सर, कितने दिन तक काम करेगा ये? ये अभी अगर आपने इंस्टॉल किया है, ल्यूर की अगर बात करें तो 60 से 70 दिन ल्यूर काम करता है। अच्छा अच्छा। और स्ट्रैप की बात करें तो अगर ये जैसे कि हमने लगा रखा है ये उत्तर दिशा में, जी उत्तर दिशा में बहुत ही कम मात्रा में धूप आती है जी। अगर ये उत्तर दिशा में हमने लगा दिया तो 5 साल आपको कहीं नहीं देखिए, 5 साल तक एक ट्रैप चलता है और अंदर का रिफिल हमें चेंज करना है, ल्यूर लगाना। आप देख भरत जी, ये आपने कब लगाया था? हमने इसको पिछले 4 दिन पहले लगाया था, और इसके इसमें मतलब बहुत सारे मक्खियाँ भी इसमें इकट्ठी हो गई है। ये लगभग आपके ख्याल से कितनी होगी? करीबन 2 से 3 हज़ार समथिंग तो होगी। सही, आराम से इसमें, आराम से। और इसमें कई प्रकार की मक्खियाँ हैं, अलग अलग तरह की मक्खियाँ इसमें पकड़ाई है। तो ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई फ़ायदा करने वाली मक्खी तो नहीं पकड़ाई है इसमें? नहीं, ये मतलब फलों को नुकसान देने वाली मक्खियाँ ही है इसके अंदर जी। और सभी वही मक्खी हैं जो नुकसान करती है, फायदा देने वाली एक भी मक्खी इसके अंदर नहीं पकड़ाती है, और नुकसान करने वाली एक भी मक्खी बचती नहीं है। सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बेस्ट वाला फायदा यही है। मैं स्क्रीन पर आपको इन सभी मक्खियों के फोटो भेजूंगा, ये मक्खियाँ सभी में नुकसान करती है, तो आप वो भी देखिएगा और गेस कीजिएगा कि कितना नुकसान करती है मक्खियाँ। और एक मक्खी 24 घंटे में 72 बार डंक मारती है किसान भाइयों, तो बहुत बड़ा नुकसान है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है एक ही एक स्ट्रैप के अंदर आ चुकी है वापस से, ये देखिए इस लूर के आसपास ये घूम रही है। अब थोड़ी देर में ये मक्खी जो है हमारा ट्रैप अगर नीचे होता इसके अंदर मर के गिर जाती है और कैच हो जाती है। और इसमें कई ऐसी मक्खियाँ जो वापस भाग जाती है, मगर वो भाग के जा कहीं नहीं पाती, इसमें लेकर एक बार सूंघ ली इसने, इसको अगर आप कहीं अगर अलग जगह सेफ कर दोगे तो भी थोड़ी देर में मर जाएगी 5 से 10 मिनट में। ये हमने अनुभव किया इतने दिनों में। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप इस प्रकार के ट्रैप का उपयोग करें और अपनी फसलों को फल मक्खी से बचाएं, ताकि जो है आपको उचित रेट मार्केट में मिल सके और आपका खर्चा कम हो सके, क्योंकि फल मक्खी को ख़त्म करने के लिए कोई भी रासायनिक या जैविक नियंत्रण नहीं है, केवल एक फेरोमोन ट्रैप ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हर प्रकार की फल और सब्जी में जो है नुकसान करती ही करती है, और लगभग 30 से 40% का नुकसान आराम से करती है। बराबर, और उस नुकसान से बचने के लिए सबसे सबसे बेस्ट है। और ये 1 रुपये लगा कर 10 रुपये बचाने वाली बात होती है, क्योंकि बहुत कम इनकी लागत होती है। यानी कि अगर इसको देखें तो हम 1 से 2 रुपये पर डे के हिसाब से काम करता है ये हमारा। 2 रुपये भी नहीं है, 1 रुपये का मेंटेनेंस है इसका अगर देखा जाए तो। तो मेरे हिसाब से कोई भी किसान इसको लगा सकता है और बेस्ट रिजल्ट आप खुद 2 दिन में देख सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के कुछ सवाल या सुझाव हो तो नीचे हमारा नंबर है, उससे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके तो वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। डेमो चाहिए आपको तो भी इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, और कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय किसान।